सभी एफएसएस फाइटर को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं महिपाल सिंह। आज सभी एफएसएस फाइटर को ये बताते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे फाइटर सक्सेस सिस्टम ने हम सब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत टूल लॉन्च किया है बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, जिसके माध्यम से हम अपने बिजनेस को बहुत ऊँचाइयों पर लेके जा सकते हैं, जिसके अंदर बिजनेस का प्रोडक्ट प्लान, बिजनेस प्लान और फॉलोअप डीवीडी हमारे को मिलेगी। और मुझे उम्मीद है इस टूल का आप लोग भरपूर फायदा उठाएंगे, इससे पूरा सीखेंगे और इसमें जैसा बताया गया है वैसा अनुसरण करेंगे, क्योंकि ये डीवीडी हमारे SLPS के कामयाब लीडर्स के माध्यम से बनाई गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस डीवीडी को लेके और इसमें बताए गए अनुसार आप सीख के आप बहुत कामयाबी लेंगे और बहुत जल्दी SLPS वेलनेस के अंदर आप ब्रांड एम्बेसडर के लेवल को अचीव करेंगे। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट माई डियर फ्रेंड्स। हेलो सर, माई सेल्फ महिपाल सिंह। हेलो सर, मेरा नाम जोगिंदर सैनी है। जोगिंदर सैनी जी, विनय जी ने मुझे आपके बारे में बताया था, आप पिछले संडे को हमारे प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने सर ने आपके बारे में बताया था कि आप बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान हैं, सामने वाले की बातों को ठीक से समझते हैं। और दूसरी बात ये थी कि जब आप अपने कीमती समय में से 2 घंटे का टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम में आए, प्रोग्राम को ध्यान से आपने देखा और समझा, लेकिन समझने के बाद भी सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी, अच्छी लगने के बाद भी अभी तक आप शुरुआत नहीं कर पाए। मुझे ऐसा लगा कोई ना कोई ऐसी बात थी जो हम आपको पूरी तरीके से बता नहीं पाए या आप समझ नहीं पाए, तो मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी वो बात थी, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी, कौन सा ऐसा डाउट था जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाए। सर, हम मिलकर शुरुआत करते हैं। सर, मैंने आपका प्रोग्राम देखा था, अच्छा लगा, लेकिन सर कुछ एक मेरे को सोचने के लिए समय चाहिए, इसलिए सर मैं आपको सोच के बताऊंगा सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा जोगिंदर सैनी जी आपसे बात करके आज, और मुझे ये कन्फर्म भरोसा हो गया कि मैं एक समझदार आदमी से आप बात कर रहा हूँ, कि जिंदगी में जब भी एक समझदार आदमी कोई भी डिसीजन लेता है तो सोच समझ के लेता है, क्योंकि सोच समझ के लिया गया डिसीजन आदमी को आगे बढ़ाता है, बिना सोच समझ के और जल्दीबाजी में लिया गया डिसीजन कभी जिंदगी में आदमी को आगे नहीं बढ़ाता है। और मुझे खुशी है आपसे मिलती है कि आप हर डिसीजन जिंदगी का सोच समझ के लेते हैं। सर, ये बात बिल्कुल सही है कि सोच समझ के ही लेना चाहिए, मैंने भी पहले ऐसे ही सोचा था, लेकिन सर सोचने की जो बात है, हम बात करते हैं कि हमें सोचना किस चीज़ के ऊपर है, वो हमारी चीज़ क्या है। हमें आज सोचने की ज़रूरत इस पर ये नहीं है कि हम SLPS के बारे में क्या सोचते हैं, सोचने की ज़रूरत ये है कि आज हमारे लिए SLPS वेलनेस क्यों ज़रूरी है, कि आज हमारी लाइफ के अंदर जो जो हमने सोचा था, सोचते हुए आप अपनी लाइफ में हमेशा हम आए कि कब, जिस दिन रात को सोते हैं हमेशा अपने बारे बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने माँ बाप ने हमारे बारे में सोचा होगा कि हमारा बच्चा पैदा होगा, फिर बड़ा होगा IAS बनेगा, डॉक्टर बनेगा। लेकिन सर, सोचने मात्र से ऐसा होता तो हम आज IAS या डॉक्टर होते, हमारे बच्चे के बारे में सोचते हैं, हम हमारे बड़े घर के बारे में सोचते हैं, बड़ी कार के बारे में सोचते हैं, बड़ी लाइफ स्टाइल के बारे में हमेशा सोचते आए। सोच को पूरा करने के लिए हमें चाहिए सोर्स, और इस सोर्स को हम कहीं ना कहीं ढूंढते रहते हैं, और कई बार हमें लाइफ में अच्छा एक सोर्स मिल जाता है और कई बार हम उसको सोर्स को मिलने के बाद भी डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि डिसीजन लेने में हमें लगता है डर। कि आप, मैं मानता हूं आपका डर ये नहीं है कि करोड़ों रुपए की अपॉर्चुनिटी के सामने आपको 12-13 हज़ार रुपए देने पड़ रहे हैं, ये आपका डर बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो डर है वो ये डर है कि मैं 12-13 हज़ार रुपए देने के बाद भी अगर मेरा काम नहीं चल पाया तो, मैं काम नहीं कर पाया तो। सर, मैं मान लेता हूं कि आपका काम नहीं चल पाया तो, आपका काम नहीं हो पाया तो, मैं आपके साथ हूं 99% अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा? सर, आपके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ेंगे जिस स्कूल में आज पढ़ रहे हैं, आपके लाइफस्टाइल वैसी रहेगी जैसी आज चल रही है, आप उसी घर में रहेंगे जिस घर में आज रह रहे हैं। लेकिन सर, थोड़ा सा मानते हैं कि अगर आपने प्रोडक्ट लिया और आपका काम नहीं चल पाया तो आपके प्रोडक्ट की, आपने बॉडी की सर्विसिंग होगी, आपके प्रोडक्ट काम आ गए, आपने यूज नहीं किए तो आपने 20% प्रॉफिट के साथ मार्केट में उसको बेच भी देते हैं। लेकिन सर, 1% हम सोचते हैं कि इस सोच के साथ डर के बाद अगर आप डिसीजन ले पाए और आपने शुरुआत किया तो 1% की वजह से जिंदगी का हर सोची हुई चीज आप पूरी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने ये चीज की है, सर बिहार से शिव कुमार जी, जिन्होंने नौकरी के साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम करने का डिसीजन लिया 1% सोच के साथ कि अगर हो गया तो। आज खुद की ओडी कार इस बिजनेस से मेंटेन कर रहे हैं, 55 लाख से ज्यादा की अर्निंग यहां से कर चुके हैं। मैंने भी सर इसी तरह से, आप ही की तरह, मुझे डाउट था, डर था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा करके देखता हूं अगर हो गया तो। शुरुआत अकेले की थी और आज इस बिजनेस में पार्ट टाइम करते करते खुद की जैगवार कार इस बिजनेस की वजह से मेंटेन कर पा रहा हूं। अब सर, दूसरा हमें डर रहता है, वो ये डर रहता है कि हम बिजनेस तो कर लें, बात बड़ी नहीं है 12-13 हज़ार रुपए की, लेकिन मुझे तो कन्विंस करना नहीं आता, मैं प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता नहीं सकता, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, यह डर आपको सताता है। लेकिन इस डर
की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इस कामयाबी यहाँ पे दिलाने के लिए हमारे पास में फाइटर सक्सेस सिस्टम हमारे साथ में काम करता है, कामयाब लीडर हमारी सपोर्ट करते हैं आपको कामयाब बनाने के लिए। दुनिया का इकलौता ऐसा सिस्टम जहाँ पे कामयाब लोग एक साधारण आदमी को, नॉर्मल आदमी को बढ़ाने, आगे बढ़ाने में उसकी मदद करते हैं। जैसे कि हम अपने बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन कराते हैं, हम तो एक फ्रेशर बच्चे का एडमिशन कराते हैं, वहाँ वो स्कूल और उस सिस्टम में ढलता है और वही बच्चा आगे चल के डॉक्टर या आईएएस बन जाता है। क्या हुआ? क्योंकि वहाँ पे एक सिस्टम काम कर रहा था। सर वैसे ही हमारे यहाँ पे एक सिस्टम काम कर रहा है और हम भी सिस्टम में आने के बाद जो आज तक हमारे सोच और सपने आज तक पूरे नहीं हो पाए, ये सिस्टम हमें उसको पूरा कराने में मदद करता है और हम इसको पूरा करके मदद कर सकते हैं। तो सर आप शुरुआत कीजिए, यहाँ पे हम लोग डिसीजन लेते हैं, क्योंकि आज आपके सपने और सोच पूरी करने के लिए डिसीजन लेने की जरूरत है। और मुझे मालूम है आप जैसा समझदार आदमी जब ये सारी चीज क्लियर होने के बाद एक डिसीजन लेके हम जरूर यहाँ पे शुरुआत करेंगे। ओके सर, शुरुआत कीजिए और इस सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं। सर मैंने आपको सुना, आपने सोच के बारे में बहुत अच्छा बताया, आपने समय के बारे में बहुत अच्छा बताया, लेकिन सर मैं एक जॉब करता हूँ, इसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाऊंगा। सर कि आप बिजी हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है सर कि आप बिजी हैं ये नहीं, आप बिजी क्यों है इस चीज़ को जानना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपने टाइम को किसी न किसी को बेच दिया, और इसलिए हमने बेचा क्योंकि हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे, बड़ा बनना चाहते थे, और बड़ा बनने के लिए लोगों ने हमारा टाइम खरीद लिया। हमने बेचा कैसे कि कहीं हम नौकरी करते हैं सुबह से शाम तक 10 घंटे 12 घंटे हमें सैलरी मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हमें 10 घंटे काम करते हैं और 20,000 सैलरी मिलती है, और अगर हमें 30,000 सैलरी चाहिए तो हमें 5 घंटे ओवर टाइम करना पड़ता है। यस सर, लेकिन कभी अगर हम 10 घंटे की जगह 5 घंटे काम करते हैं तो हमारी वही सैलरी 20,000 से 10,000 पे आ जाती है। यानी कि इस चीज से एक चीज समझ में आती है कि टाइम इज मनी। यानी कि आप अपनी लाइफ के अंदर आपके लिए जितने घंटे काम हो रहा है, जितने टाइम आपके लिए काम हो रहा है, उतना पैसा आप कमा रहे हैं। ये बात हमने समझी कहां से? ये बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोगों ने इस बात को समझा कि आपको अगर बड़ा बनना है तो आपको टाइम के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे कि एक बड़े उद्योगपति ने क्या किया कि एक फैक्ट्री लगाई करोड़ों रुपए लगा के, उसके अंदर 1,000 लोगों को नौकरी पे लगा, और 1,000 लोगों को जब नौकरी पे रखा सर, तो 1,000 लोगों ने जब 8-8 घंटे काम किया तो फैक्ट्री मालिक के लिए पर डे 8,000 घंटे काम हो गया। यानी कि एक आदमी चाहे राजा का बेटा हो चाहे भिखारी का बेटा हो, हर आदमी के पास दिन में 24 घंटे का टाइम ही होता है, चाहे आप हो चाहे मैं हो चाहे कोई बड़ा उद्योगपति हो, अंबानी अडानी चाहे कोई भी, लेकिन उन लोगों ने एक दिन के अंदर 24 घंटे को 8,000 घंटे में कन्वर्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास पैसा था, इसलिए उन्होंने लोगों का टाइम खरीदा, टैलेंट खरीदा और मैन पावर खरीदी, और ये फॉर्मूला जिंदगी में सक्सेस है कि आज उनके लिए हजारों घंटे काम होता है। सर मेरे अपलाइन ने मुझे यही बात समझाई थी कि महिपाल अगर तुझे पैसे वाला बनना है, तुझे टाइम चाहिए, तो तू लोगों का टाइम खरीद के लोगों को सैलरी पे रख के और ये काम करके एक दिन में 8,000 घंटे और 10,000 घंटे भी काम कर सकता है। लेकिन सर मेरे पास ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं नौकरी करता था, मैं किसी और को नौकरी पे नहीं रख सकता था। तो मेरे अपलाइन ने बताया कि इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए एक ही धंधा है, डायरेक्ट सेलिंग, और उसमें एसलीपीएस वेलनेस के माध्यम से हम टाइम को कमा सकते हैं जैसे कि बाकी लोगों ने कमाया है। सर वही मैंने आज किया। आज से ठीक 1.5 साल पहले मैंने असली केस वेलनेस शुरुआत की। जब शुरुआत की थी तब मैं अकेला था, और आज काम करते 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 सिस्टम के साथ काम करते हुए आज मेरे साथ 50,000 से ज़्यादा लोगों का नेटवर्क बन गया। अब सर एग्जांपल समझते हैं, 50,000 लोगों का नेटवर्क मेरे साथ आज ऑल ओवर इंडिया काम कर रहा है। अगर 50,000 में से ज़्यादा नहीं, अगर 1,000 लोग भी पर डे अपने लिए 1-1 घंटे काम करेंगे तो मेरे लिए आज पर डे 1,000 घंटे काम हो सकता है। सर मैं अपने लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे काम कर सकता था, लेकिन इस सिस्टम की पावर है कि आज मेरी पर डे काम करने की कैपेसिटी बढ़ गई और आज पर डे 1,000 घंटे मेरे लिए काम कर रहा है। और यही कारण है कि जहां मैं नौकरी करता था तो 20,000 रुपए महीना कमाता था, और आज टाइम बढ़ने की वजह से आज हर महीने 14 से 15 लाख रुपए महीना के एवरेज यहाँ से आता है। आज पर डे बात करूँ तो 50,000 से ज्यादा की इनकम मुझे यहाँ से आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइम अपना बढ़ा लिया। और एग्जाम्पल हम समझते हैं कि अगर 50 आदमी मिलकर ताजमहल को बनाएंगे तो आप मुझे बताइए कितना टाइम लग जाएगा? सर बहुत साल लग जाएंगे, कई सालों लग जाएंगे, सही है। लेकिन उसी ताजमहल को बनाने के लिए हजारों लोग मिलकर ताजमहल बनाना शुरू कर दें तो कितने टाइम में बन जाएगा? जल्दी बनेगा, मतलब कुछ सालों में बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास टाइम हो जाता है, घंटे काम करने के बढ़ जाते हैं, तो जिंदगी में जो पैसा और जो सक्सेस आप 100 साल में लेने वाले हैं, वो सक्सेस आपको यहाँ 4 से 5 साल में मिल सकती है। लेकिन सर
फिर भी आपने बोला कि मेरे पास समय नहीं है। सर सर कोई बात नहीं, आपके पास समय नहीं है, आपके समय मुझे चाहिए भी नहीं, मेरे को ऐसे इंसान की जरूरत है जिसके पास समय है, क्योंकि वो समय जिसके पास नहीं होगा वो यहाँ काम भी नहीं कर पाएगा, समय जिसके पास है वही यहाँ काम कर पाएगा, वही आगे बढ़ेगा, उसके साथ मिलकर हम भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन सर एक बात का फर्क पड़ता है, आपने बोला समय नहीं है, मैं चला जाऊंगा आपके पास से, क्योंकि मेरे आपके साथ कोई इमोशन नहीं जुड़े हुए, मैं आपका कोई रिश्तेदार नहीं हूं, मैं आपके कोई परिवार का मेंबर नहीं हूं। लेकिन आप सोचिए एक बात, आपके परिवार में आपके मम्मी पापा भाई बहन वाइफ बच्चे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके आपके साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं, जो इनको आपके अंदर अपनापन दिखाई देता है। तो आपकी लाइफ में, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, आपकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके बच्चे ने आपको बोला होगा पापा आज तो पेरेंट्स मीटिंग में जाना है, सब बच्चों के पापा आ रहे हैं, आपको भी चलना, और आप अपने बिजी शेड्यूल की वजह से आपने बोला सर मैं बेटा वहां आज नहीं जा सकता। आपने उस टाइम सोचा उस बच्चे की आंखों में देख के उसके ऊपर क्या गुजरी होगी जिसने इतनी बड़ी उम्मीद के साथ आपसे टाइम की मांग की थी। तो सर यही एक प्लेटफॉर्म है, आज हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं, और इस शुरुआत करने के बाद में मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि मेरे कुछ लोग अपने हैं जिनको मेरे टाइम की जरूरत है और मैं उनको टाइम देना चाहता हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट सेलिंग मुझे समझ में आया कि कितना ही जिंदगी में पैसे वाला आदमी हो, लेकिन उस पैसे को खर्च करने के लिए, उस पैसे को एंजॉय करने के लिए अगर उसके पास टाइम नहीं है अपने परिवार के साथ, तो उसके पास वो पैसा बेकार है। लेकिन आज मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आज मैंने यहां पर पैसा भी कमाया है, टाइम भी कमाया है, और आज मैं मेरे पूरे परिवार के साथ आराम से टाइम निकालता हूं, बीच बीच में जब टाइम चाहिए तब मुझे मिल पाता है। बस सर टाइम की प्रॉब्लम नहीं है आपको, एक डिसीजन लेने की प्रॉब्लम है। आज आप शुरुआत कीजिए, आप मूड बनाइए, डिसीजन लीजिए, हम मिलके साथ काम करेंगे। योगेंद्र सैनी जी टाइम की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आप हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप साथ देने के लिए तैयार हैं, आप ईमानदार और अच्छे इंसान हैं, साथ मिलकर काम करेंगे और एक दिन हमारी लाइफ में टाइम की कोई कमी नहीं रहेगी। ओके सर शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सर, सर आपने बहुत अच्छे ढंग से मुझे समय के बारे में बताया, सोच के बारे में बताया। सर मैं भी इस काम को करना चाहता हूँ, लेकिन क्या है सर कि मैं जॉब करता हूँ जिसकी वजह से सर मुझे अभी 12-13 हज़ार रुपये निकालने में थोड़ी मुश्किल होगी। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं जोगेंद्र सैनी जी, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ। आज के टाइम की एक आम आदमी की बहुत बड़ी गंभीर समस्या है कि उसके पास पैसे की प्रॉब्लम है। ये आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी प्रॉब्लम थी आज से कुछ समय पहले, जब मेरे अपलाइन मेरे पास आए थे और इस कॉन्सेप्ट के बारे में उन्होंने मुझे समझाया था, तो मुझे भी सब चीज़ें अच्छी लगी थी, लेकिन मेरा सवाल यही था कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन सर उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था, महिपाल जी ये बात बताओ कि आपके पास पैसे नहीं है और आप नौकरी किए जा रहे हो। सर मैं उस टाइम पिछले 10 साल से नौकरी कर रहा था। उन्होंने कुछ ऐसी बातें मुझे समझाई और कुछ ऐसी बातें बताई जो मैं सोचने पे मजबूर हो गया, और वो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे ये बोला सर कितने साल से नौकरी हो, मैंने बोला 10 साल से। फिर एक छोटा सा सवाल था कि सर 10 साल से नौकरी कर रहे हैं उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, तो क्या गारंटी है कि आने वाले 10 साल के बाद हमारे पास पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा। सर मैं सोचने के लिए मजबूर हो गया था। उन्होंने मेरे को पैसे के महत्व के बारे में बताया कि जिंदगी के अंदर हर काम पैसे की वजह से होता है। जिंदगी की डेली दिनचर्या हो, चाहे हमारे शौक हो, चाहे जरूरतें हो, वो पैसे से ही पूरी होती है। तो सर उन्होंने बताया कि कल आपका बच्चा अगर बड़ा बनना चाहता है, बड़ी नौकरी करना चाहता है, और आज के टाइम में ऐसा है कि बड़ी नौकरी बड़ी जगह जाने के लिए आपको करोड़ों रुपए डोनेशन भी देना पड़ता है, तो मुझे बताया कि मेरा बच्चा बड़ा बनना चाहता था, बड़ा बन सकता था अगर मेरे पास करोड़ों रुपए का अरेंजमेंट होता तो, लेकिन इस वजह से अगर मेरा वो बच्चा कल को एक सामान्य नॉर्मल नौकरी करे तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी एक गलती की वजह से, मेरी कुछ कमी की वजह से मेरा बच्चा जो जिंदगी में बहुत बड़ा बन सकता था, बहुत बड़ा नाम कर सकता था, आगे जा सकता था, वो बड़ा नहीं बन पाया, क्योंकि मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। यही कुछ चीजें थी जिनकी वजह से मैं सोचने पे मजबूर हो गया। ये मेरे दिल में एक दर्द उठा और मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि महिपाल तू क्या कर रहा है, पिछले 10 साल से नौकरी कर रहा है और उसके बाद भी बोल रहा है पैसे नहीं है। क्योंकि सर एक चीज मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि एक दर्द को मिटाने के लिए दूसरा दर्द तो लेना पड़ता है। जैसे कि आपके कभी पैर में कांटा लग गया, तो जोगिंदर सैनी जी आप मुझे ये बताइए कि आप पूरी उम्र लंगड़ा के चलना पसंद करेंगे या कांटे को निकालना पसंद करेंगे? हर आदमी निकालना पसंद चाहेगा। यस सर, और मैं भी निकालना ही चाहता था, और मुझे जरूरी है, हर आदमी को पता है कि एक कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा चुभोना पड़ता है। और अपनी जिंदगी में हम लोगों ने पूरी उम्र एडजस्टमेंट किया, एडजस्टमेंट की हमारी आदत पड़ चुकी है, और एक कांटा अगर निकालना तो दूसरा कांटा जैसे निकालना लगाना पड़ता है, वैसे ही जिंदगी के अंदर मुझे पैसे की प्रॉब्लम खत्म करनी है। तो आज दोबारा से मुझे ये 12-13 हज़ार रुपए का स्लिपियस के माध्यम से पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो मुझे समझ में आया, मैंने कुछ दोस्तों से उधार पैसे लेके अरेंज
अरेंजमेंट करके मेरी जिंदगी भर के इस कांटे को निकालने के लिए उस पैसे का अरेंजमेंट किया। और सर आज रिजल्ट आपके सामने है। मैं आपको बताऊं कि पिछले 1.5 साल पहले शुरुआत की थी, आज 2.25 करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्निंग मुझे उस कांटे को निकालने की वजह से हो चुकी है। आज लाइफ बिल्कुल बढ़िया हो चुकी है। आज मेरे बच्चों को, मेरे माँ बाप को, मेरे परिवार में कभी पैसे की जरूरत की प्रॉब्लम होती है, मुझे यह कहना नहीं पड़ता कि मुझे आज पैसे की प्रॉब्लम है। तो आप और हम जोगिंदर सैनी जी एक बार एडजस्ट करने की जरूरत है, एक बार आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। यह डिसीजन आपको एडजस्ट करवाएगा कि आपके सोच के साथ आपके परिवार और बच्चों की सोच लगी हुई है कि हमारी कुछ ना करने की वजह से कल हमारे बच्चे अगर बड़े नहीं बन पाए तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है सर, ये सारी चीजें मेरी साथ में आप समझने की वजह से आप जरूर पैसे का अरेंजमेंट करेंगे, जो डिसीजन लेंगे और हम मिलकर शुरुआत करेंगे। तो क्या जोगेंद्र सैनी जी पैसे का अरेंजमेंट हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। तो सर बिल्कुल सीरियस होके आप डिसीजन लीजिए, मिलके हम शुरुआत करेंगे और ये पैसे नहीं है कि प्रॉब्लम आज के बाद में पूरी जिंदगी भर के लिए खत्म कर देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे सर। सर आपने अच्छे ढंग से समझाया समय के बारे में, पैसे के बारे में, सोच के बारे में। कहीं ना कहीं सर मुझे ये चीज़ अच्छी लगी और मैं करना भी चाहता हूँ सर, लेकिन मैं सर लोगों से मिलने में हिचकिचाता हूँ थोड़ा सा, तो इसमें सर लोगों को नहीं जोड़ सकता। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने जोगिंदर सैनी जी। खुशी हुई आपका सवाल सुन के कि आपको लोगों से मिलने में हिचकिचाहट है और लोगों से आप जोड़ने का काम नहीं कर सकते। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे हमें किसी को जोड़ना नहीं है, हमें जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं करना है। हमारा फाइटर सक्सेस सिस्टम के माध्यम से हिंदुस्तान के मैक्सिमम सिटीज में आज हमारा संडे का प्रोग्राम होता है और प्रोग्राम में जो भी ज्वाइन एसोसिएट हमारे होते हैं वो न्यू गेस्ट को वहाँ लाके सेमिनार अटेंड करवाते हैं और वहाँ समझाने के लिए हमारे अनुभवी लीडर होते हैं जिनके माध्यम से पूरी जानकारी दी जाती है, उनको कन्विंस किया जाता है। तो ये काम भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सिस्टम और लीडर्स के माध्यम से कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये हमारा सिस्टम यहाँ पे रन करता है और सिस्टम के माध्यम से हम लोग बड़े बन सकते हैं। तो सर आप बिल्कुल भी जोड़ने वाली टेंशन ना रहे। लेकिन एक चीज मैं आपको छोटी सी बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए कि दुनिया में जिस जिस के साथ लोग जुड़े हैं वो आदमी बड़ा हुआ है। जैसे किसी स्कूल के साथ ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो वो स्कूल बड़ा बन जाता है, किसी हॉस्पिटल के साथ या डॉक्टर के साथ ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो वो डॉक्टर बना, किसी एक्टर के साथ ज्यादा फैन फॉलोवर हो जाते हैं तो वो सुपर स्टार बन जाता है, किसी मूवी को देखने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है तो मूवी सुपर हिट हो जाती है, किसी नेता के साथ जब ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं तो वो नेता बड़ा हो जाता है। आज बिल गेट्स बड़ा इसलिए है कि उसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। अंबानी इसलिए बड़ा है कि उसके पास दुनिया के ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो सर हम लोग कहीं ना कहीं जुड़ने वाले काम में तो आज हैं, लेकिन समझने वाली जोगेंद्र सैनी जी एक बात है कि दुनिया में हर आदमी जुड़ने के काम है, लेकिन जुड़ने से पैसा नहीं आता, एक नेटवर्क का हिस्सा बनने से पैसा नहीं आता। क्या हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि यहाँ पे हम अपना नेटवर्क बना रहे हैं? आज जितने भी बड़े लोग हैं उन सब लोगों ने अपना नेटवर्क बनाया है और जिन जिन ने बड़ा नेटवर्क बनाया है वो लोग आज बड़े बने हैं। तो आज हमारे पास असली पेस वेलनेस के माध्यम से मौका है कि हम भी इस मिशन में साथ दें, शुरुआत करें और हम अपना नेटवर्क बनाएं और कल हम भी जैसे मैंने कुछ लोगों के एग्जांपल आपको बताए उनकी तरह हम भी यहां पे बड़े बन सकते हैं और ये सिस्टम हमारी मदद करेगा। तो हम शुरुआत करते हैं जोगिंदर सैनी जी, आप और हम मिलकर एक दिन बहुत बड़ा काम करेंगे। सर यदि ऐसा है और आपका सिस्टम ऐसे काम करता है तो सर आपके साथ काम करने में बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपने जो बताया जो समझाया मैं सेटिस्फाइड हूँ, संतुष्ट हूँ, लेकिन सर कहीं ना कहीं मुझे एक बार घर वालों से भी बातचीत करनी पड़ेगी, तो सर एक बार घर वालों से पूछ के बताऊंगा। बिल्कुल सर, सही बोला आपने, बहुत अच्छा लगा कि आप अपने घर वालों की सलाह से ही हर डिसीजन लेते हैं और उनसे पूछ के ही हर काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है क्योंकि घर में सब मिलके अगर कोई फैसला लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है सर। लेकिन एक चीज़ छोटी सी मैं कुछ चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि घर वाले हमें किस विषय में ज़्यादा अच्छी जानकारी दे सकते हैं जिनको उस बारे में पहले से जानकारी है उस बारे में, या जिसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है उसके बारे में, यानी कि जिसके बारे में पहले से उनको जानकारी है। तो आज मैंने आपके साथ बैठा, मैंने पिछले 4-5 घंटे से आपके साथ कुछ बातें डिस्कस की, क्या ये बातें आज से पहले आपको मालूम थी? नहीं थी। और इन बातों के बारे में मैं इस बारे में हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, इस बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में, असली पेस वेलनेस के बारे में आज से 2-4 दिन पहले आपसे आता और पूछता सर इसके बारे में मुझे कुछ एडवाइस दीजिए, आप मुझे कुछ बताइए, तो क्या आप मुझे बता पाते? बिल्कुल नहीं बता पाते, क्योंकि आज से पहले इसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी। लेकिन आज आपको इसके बारे में जानकारी हो गई, पिछले 4-5 घंटे से हम बैठ के इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आपके कुछ सवाल थे वो भी हम लोगों ने क्लियर किए। और घर वाले जानकारी तब दे सकते हैं जब उनको इसके बारे में पूरा नॉलेज हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जोगिंदर सैनी जी आपके गांव के अंदर कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ प्लॉट है, अगर आप मम्मी पापा से बोलते हैं कि मुझे मैं प्रॉपर्टी लेनी है इसमें फायदा हो सकता है तो वो आपको जस्ट हाँ बोल देंगे, यस। लेकिन
उससे भी ज्यादा बेनिफिट देने वाली, उससे भी ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी और ज्यादा इन्वेस्ट करने वाली चीज आपको मुंबई या दिल्ली में कोई है जिसके बारे में घर वाले नहीं जानते हैं, अगर हम उन लोगों को जाके पूछते हैं कि मम्मी पापा को या वाइफ को कि इसके बारे में मुझे बताइए, तो मुझे ऐसी उम्मीद है शायद वो उस बारे में नहीं बता पाएंगे और ना ही आपको कभी सजेस्ट करेंगे कि आपको वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है। तो सर घर वालों से बिल्कुल पूछना चाहिए, लेकिन हमें क्या पूछना चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। हमें घर वालों से ये पूछना चाहिए कि क्या हमारे घर में एक अच्छी कार की जरूरत है या नहीं है, क्या हमें एक बहुत अच्छे घर की जरूरत है या नहीं है, शहर में एक अच्छे घर की जरूरत है नहीं, बच्चों के लिए एक अच्छी एजुकेशन की जरूरत है नहीं है, हमें एक अच्छी लाइफ स्टाइल की जरूरत है या नहीं है, ये चीजें हमें पूछने की जरूरत है। और मुझे लगता है इसके अंदर आपके घर वाले हमेशा ये चाह रहे होंगे कि इन सब चीजों की जरूरत आपके घर के अंदर है। और यही चीज है सर, छोटी सी एक एग्जांपल कि अगर हम सचिन से जाके शतरंज के बारे में कुछ पूछें तो क्या सचिन कभी बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, क्योंकि सचिन शतरंज के बारे में नहीं बता सकता, सचिन क्रिकेट के बारे में बता सकता है। शतरंज के बारे में अगर हमें जानना है तो विश्वनाथ आनंद से ही जानना पड़ेगा। वैसे ही सर, आज से पहले अगर आपके घर में आपके परिवार में कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या स्लीपियस वेलनेस में काम करके बहुत अच्छी इनकम ले रहा है या कोई कमा रहा है, तो आपके घर वाले एकदम से आपको बोल देंगे कि आपको एक काम करना चाहिए, नहीं तो जिस तरह प्लॉट के लिए मना किया था वैसे आपको भी मना करेंगे, क्योंकि वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपके बारे में भला सोचते हैं, आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो जोगिंदर सैनी जी, आज घर वालों से पूछने की जरूरत नहीं है, आज घर वालों को प्रूफ करके दिखाने की जरूरत है, आज डिसीजन लेके कुछ करने की जरूरत है। सर मिलके शुरुआत करते हैं, आपको शायद मुझे लग रहा है सारी बातें समझ में आ गई, तो हम मिलके शुरुआत करेंगे और प्रूफ करके दिखाएंगे घर वालों को कि यहां से भी करियर बन सकता है। बिल्कुल सर, मैं डिसीजन अभी लेता हूं सर। ओके सर। सर बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, बहुत सारे प्लान मैंने देखे हैं, तो सर आप मुझे ये बताइए कि एसलीपीएस वेलनेस ही क्यों? बिल्कुल जोगेंद्र सैनी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके मुझसे सवाल सुन के, और मुझे खुशी है कि आपने इतना बेहतरीन सवाल किया है। आज ये पूरी हिंदुस्तान नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेके आपने सवाल किया है, और इससे एक चीज प्रूफ होती है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बनना चाहते हो और इस इंडस्ट्री में आके आप बहुत आगे तक जाना चाहते हो, इसीलिए आपने सवाल किया, नहीं तो कहीं भी आप डिसीजन ले सकते थे। कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, डिस्कस करना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सर होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पूरी दुनिया में 70 साल पहले आई, और नो डाउट दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। हिंदुस्तान में आज से 20 साल पहले इस इंडस्ट्री का आगमन हुआ, 20 साल पहले शुरुआत हुई, लेकिन हमारा दुर्भाग्य समझिए चाहे विडंबना देखिए कि आज 20 साल से इस इंडस्ट्री को शुरुआत होने के बाद भी आज 90% से ज्यादा लोग समाज इस इंडस्ट्री को लेकर आज नेगेटिव है, इस इंडस्ट्री में काम करने वाले आदमी को अच्छा काम नहीं माना जाता है। ऐसे कुछ कारण थे जिनको हम लोगों ने सर्च किया और जिसके बाद मुझे भी ऐसा फील हुआ क्यों करनी चाहिए, उसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री थी क्या। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक प्रोडक्ट बेचने का एक एडवांस वर्जन था, जो क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने का, जो कि लोगों की जरूरत के हो, लोगों के काम आए, लोग इसको यूज करें और लोग उसको यूज करने के बाद खुश हो जाएं, उनकी कीमत उनको वसूल हो जाए। तो ऐसे ही जब शुरुआत हुआ तो हिंदुस्तान में जब ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आई तो कुछ लोगों ने समझदारी में क्या सोचा कि हिंदुस्तान एक इमोशनल कंट्री है, यहाँ प्रोडक्ट नहीं बिकते, यहाँ इमोशन और रिश्ते ज़्यादा बिकते हैं, और उन्हीं इमोशन और रिश्तों के आधार पे कंपनियों ने क्या किया, मैक्सिमम कंपनियों ने जो नेगेटिव धारणा बनी इसके पीछे कारण रहा, ये हमारा काम था एक क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने का, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट ना बेच के आज नेटवर्क मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री में जो धारणा बनी हुई है वो ये धारणा बनी हुई है कि जो चीज़ मार्केट में कहीं नहीं बिकती वो डायरेक्ट सेलिंग में बिकती है, जो लोगों को कुछ नहीं होता वो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव होते हैं कि उन्होंने पैसे दिए और वो नेगेटिव हो गए। आज नेगेटिव क्यों है, मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ सर। आपने मुझे 10,000 रुपये दिए, 10,000 के बदले मैंने आपको उसका सेटिस्फेक्शन दे दिया और सेटिस्फाइड प्रोडक्ट दे दिया, तो आप खुश रहेंगे, मेरे से कोई शिकायत नहीं रहेगी। आपको मेरे से शिकायत तब रहेगी जब आपको मैंने कोई प्रोडक्ट दिया और 10,000 रुपए ले लिए लेकिन वो तो उस कीमत का नहीं था, तो आप मेरे कभी भी फेवर में नहीं रहेंगे। बस यही कारण था कि आज इसके बदले में मार्केट नेगेटिव है। तो सर मैंने सोचा कि कुछ रिसर्च किया और देखा कि ऐसा क्या होता है, तो एक चीज समझ में आई कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें बेची जा रही है जो लोगों को जरूरत नहीं है, यानी कि जरूरतों पैदा करके बेची जा रही है। इस कंपनी ने एसलीपीएस वेलनेस ने जोगिंदर सर क्या किया, हमने लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट बेचे, लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए, लोगों की समस्याओं का समाधान पूरी करने का कोई दूसरा नाम है तो वो एसलीपीएस वेलनेस है। आज हमने लोगों को ऐसे ऐसे प्रोडक्ट दिए और वो भी क्वालिटी प्रोडक्ट दिए
कि जिनकी लोगों की जरूरतें पूरी हुई, आज मैं आपको कुछ एग्जांपल बताना चाहता हूँ। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट से आज ऐसे ऐसे बूढ़े लोग ठीक हुए जिनको डॉक्टर ने घुटने रिप्लेसमेंट के लिए बोले और उनका दुनिया में कहीं इलाज नहीं था, वो थक गए थे, घुटने रिप्लेसमेंट के लिए तैयार थे। हमारे प्रोडक्ट 10-15 हज़ार रुपये के प्रोडक्ट खा के आज वो हमारे स्टेज पर आके डांस करते हैं। ऐसी ऐसी लेडीज जो माँ नहीं बन सकती थी और डॉक्टर ने उनको मना कर दिया कि आप कभी जिंदगी में माँ नहीं बन सकती, आज वो लेडीज हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद आज उनकी गोद में उनकी बच्ची या उनका बच्चा खेल रहा है। सर, ये आज किस काम को करते हुए खुशी होती है कि हम एक समाज सेवा का काम कर रहे हैं और इतने अच्छे दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सर, दूसरी बात, हम अच्छे प्रोडक्ट बेच रहे हैं और हिंदुस्तान में मैं नहीं कहता कि हम ही अच्छे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कुछ और भी कंपनियां आई होंगी जिन्होंने अच्छे प्रोडक्ट बेचे होंगे, लेकिन अकेला प्रोडक्ट से नहीं होता। जब आप और हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये होती है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, फरारी बिकती है क्योंकि वो एक ब्रांड है और को छोटा सा एग्जांपल एक मर्सिडीज बेचनी है और मैं आपको कमीशन देता हूं 5,000-10,000 रुपए, क्या आप उसको बेचना पसंद करेंगे? नहीं बेचना पसंद करेंगे। क्यों? 50 लाख की मेरे ऊपर लाइबिलिटीज है और मैं बेच रहा हूं 5,000 के लिए, इससे अच्छा रिक्शा बेचूंगा, टेम्पू बेचूंगा, ठेला बेचूंगा, क्योंकि मैं इतनी बड़ी जिम्मेवारी छोटे से पैसे के लिए नहीं ले सकता। तो हमारी कंपनी ने क्या किया, हिंदुस्तान के नेटवर्कर की जो आज की प्रॉब्लम थी और जिस वजह से मार्केट नेगेटिव था, जिस वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति गलत धारणा बना चुके थे, उन चीजों को समझने की कोशिश की, उन चीजों को समझा और उनका समस्या का जो समाधान है उसका नाम असली पीएस वेलनेस है और कुछ भी, कोई कंपनी नहीं है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम और समस्याओं का जो समाधान है इसका नाम असली पीएस वेलनेस बोल सकते। तो सबसे पहला हमने क्वालिटी प्रोडक्ट हिंदुस्तान में दिए और पिछले 3 साल के अंदर हमने वो रिजल्ट दिए जो हिंदुस्तान में आज 50-60 साल में भी बड़ी बड़ी कंपनियां भी आयुर्वेद में नहीं दे पाई हैं। दूसरी बात, हमने यहाँ पे जो पेआउट हमारा, आपने प्लान देखा सर, आपने ध्यान से देखा होगा, कुछ चीजें आपको अच्छी लगी होगी। कंपनियों ने क्या किया, प्रोडक्ट अच्छा दिया तो पेआउट नहीं दिया, पेआउट अच्छा दिया तो प्रोडक्ट नहीं दिया, अगर प्रोडक्ट भी ठीक दिया पेआउट भी दिया तो उसमें कंडीशंस इतनी ज्यादा दे दी कि एक आदमी उसको पूरी नहीं कर सकता और पूरी जिंदगी घसीटता रहा और वो लास्ट में नेगेटिव होकर इस इंडस्ट्री के प्रति बैठ गया जो बहुत बड़े सपने लेके आया था। लेकिन सर, आपने ध्यान से यहाँ पे देखा हुआ थोड़ी देर पहले, हमारी पहली ऐसी कंपनी है जो 7 तरीके से आपको यहाँ पे इनकम देती है। सबसे पहले आपको हम लोग इंसेंटिव इनकम देते हैं, उसके बाद इंसेंटिव इनकम में क्या होता है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं और डेली रूटीन में उसके खाने खर्चे में वो पैसा खर्च हो जाता है, उसके पास पैसा बचता नहीं है तो उसका परिवार उसमें नेगेटिव होता है। परिवार के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बोनस इनकम भी आपको दी कि जिससे आदमी अपने परिवार के अंदर कुछ प्रॉपर्टी बना सकता है, असेट बना सकता है, फैमिली को दे सकता है, पापा को दे सकता है, समाज। उसके बाद पहली ऐसी कंपनी जो आपको साथ में टूर एंड ट्रिप भी इसके साथ देती है, बहुत सारी कंपनियां टूर देती हैं लेकिन सिंगल देती है सर, ये कंपनी की इस चीज से नियत समझी जा सकती है, नीति समझी जा सकती है कि पहली ऐसी कंपनी जो आपके पूरे परिवार को दुबई घुमा के लाती है, पूरे परिवार को स्विट्जरलैंड घुमा के लाती है। क्यों? क्योंकि जब आप काम करते हैं तो आपकी सक्सेस में आपका हाथ नहीं होता, आपकी मम्मी का, आपकी वाइफ का, आपके बच्चों का भी हाथ होता है। कि हम लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर रात को 12 बजे 1 बजे घर पे जाता है तो मम्मी 2 बजे तक वेट करती है, वाइफ 2 बजे तक वेट करती है, लेकिन उनको आज तक कुछ नहीं मिला। किया बहुत कुछ उन्होंने 2 बजे तक वेट किया, हमने जितना काम किया उतना उनका भी योगदान रहा, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। और हमारी इंडस्ट्री कंपनी ने क्या बोला कि उन्होंने अगर रात को वेट किया है तो हम उनको भी फॉरेन ट्रिप करवाएंगे। उसके अलावा समय समय पे यहाँ पे बीच बीच में हमने कार फंड दिए कि नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर कई बार क्या होता है, मैंने बताया था सर आपको, जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान का नाम असली पीएस वेलनेस है। कार के नाम पे लोग गाड़ी ले लेते हैं, फिर बिजनेस स्लो या अप होता है तो फिर वो गाड़ियां मेंटेन नहीं कर पाते हैं और प्रेशर में आ जाते हैं। इस प्रेशर को खत्म करने के लिए इस कंपनी ने क्या किया, 50,000 रुपए से रिवार्ड शुरू करके और 2 करोड़ रुपए तक आपको कार फंड के रिवार्ड भी यहाँ पे दिए कि आप अपनी जरूरत की जो कार है वो आप सेल्फ परचेज कर सकते हैं, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर, इस तरह से 7 तरीके की इनकम देने वाली हिंदुस्तान की पहली कंपनी जो विदाउट कंडीशन के अगर कोई कंपनी मार्केट में है तो उसका नाम असली पीएस वेलनेस है। तीसरी बात, किसी कंपनी का प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, पेआउट भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जब तक वहाँ कोई मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा नहीं है, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, वो कंपनी बहुत बड़े लेवल पे हम लोग उसमें ग्रो नहीं कर सकते। पहली ऐसी कंपनी है सर जो मात्र 2.5 साल में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा चुकी है और बहुत जल्दी अपनी कंपनी के अपने ही प्रोडक्ट आने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, इतने कम टाइम के अंदर
तीन ओडी अचीवर हमारी स्लीपियस वेलनेस में लोग ओडी अचीव कर सकते हैं। मैंने आपके सामने मात्र डेढ़ साल के अंदर यहाँ से जैगवार कार यहाँ से मेंटेन कर पा रहा हूँ। ओडी और जैगवार आना आप समझ सकते हैं बिना अच्छे पेआउट और बिना अच्छे प्रोडक्ट के नहीं आ सकती। तो ये कंपनी आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, सिर्फ जरूरत है आपके डिसीजन लेने की, आपको साथ मिलने की। मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए। सर आप साथ मिलकर काम कीजिए और इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़े आगे तक जा सकते हैं। आप अपनी जिंदगी का हर सपना पूरा कर सकते हैं और आपका बेस्ट सवाल था, मुझे लग रहा है आप मेरे सवाल से कहीं ना कहीं रियली सेटिस्फाइड हैं। तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं और एक अच्छे भविष्य का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सर, सर मैंने इस कंपनी में फ्यूचर लगाऊंगा, पैसा लगाऊंगा और मैंने इतना समय लगाऊंगा सर, तो कहीं ना कहीं सर मेरा पूरा करियर इस कंपनी में लगा हुआ है, तो सर बाई चांस ये कंपनी भागी तो सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल किया जोगिंदर सैनी जी आपने, अब तक का सबसे अच्छा सवाल किया आपने। और मैं आपको बिल्कुल कुछ चीजें बताता हूँ आपने सवाल क्यों किया है। आपने सवाल इसलिए किया है कि जब भी आदमी कहीं फ्यूचर लगाता है, कैरियर लगाता है, तो उसको अपने कैरियर की चिंता होती है, उसको लगता है कहीं गलत जगह तो मैं टाइम नहीं लगा रहा हूं, कि मैं इतने दिन मेहनत करूंगा और बाद में मैं वापस बैकफुट पे ना जाऊं। सर मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब तक आपने हमारे प्लान को पूरा तरीके से देखा, सब कुछ समझा, लेकिन फिर भी कुछ चीजें जानना चाहता हूं कि आपने बोला कंपनी भाग गई तो मैं आपकी सहमत हूं आपकी बात से। थोड़ा सा एक चीज मुझे बताइए सर, कंपनियां क्यों भागती हैं? आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ चीजें बताऊं, कंपनियों भागने के कुछ कारण होते हैं। सबसे पहला कारण ये होता है कि हम जो प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड बंद हो जाए, तो लोग हमसे प्रोडक्ट लेना बंद कर देंगे, तो हमारी कंपनी चलेगी नहीं और कंपनी कभी घाटे में नहीं चलती है। दूसरा कारण, कोई भी दुकान या कोई भी कंपनी बंद तब होती है जब उधार में होती है, सही है। तीसरा कारण, कोई भी कंपनी जब प्रॉफिट में नहीं होगी तो वो बंद हो सकती है, या एक कारण जब कुछ कानूनी ऐसी प्रक्रिया हो जो गवर्नमेंट की लीगलिटीज हो जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद में भी कंपनी बंद हो सकती है। और पांचवा कारण कि लोगों ने काम करना बंद कर दिया, तो यही कारण होंगे, इसके अलावा कोई कारण हो सकता है? सर मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली प्रोडक्ट डिमांड, हम लोग आज वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। आपने हमारे प्रोडक्ट के बारे में समझा होगा, हम किस चीज के लेकर प्रोडक्ट दे रहे हैं। आज पेट की समस्या की बात करें तो 90% लोग ऐसे हैं जिनको आज पेट की प्रॉब्लम है, गैस, कब्ज, एसिडिटी। आज डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो बहुत स्पीड से पांव पसार रही है। आज ऑर्थोराइटिस की बात करें, घुटनों के जोड़ों के दर्द की बात करें, तो हर आदमी 40 साल के बाद में इससे तराई तराई कर रहा है। गायनिकल प्रॉब्लम, जेंट्स की सेक्सुअल हेल्थ से लेकर लीवर से लेकर, उसके बाद स्टोन लोग स्टोन की प्रॉब्लम है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है जो आए दिन दिन दोगुनी रात चौगुनी स्पीड से बढ़ती जा रही है। तो हमारे जो प्रोडक्ट है इनके ऊपर बहुत ही अच्छे कारगर हैं, और जैसे कि मैंने आपको टेस्टिमनी में दिखाया हजारों लोग आज ठीक हुए हैं। तो आप मुझे बताइए ये बीमारियां क्या आने वाले टाइम में कम होंगी या ज्यादा होंगी? ज्यादा होंगी। तो हमारे प्रोडक्ट कम बिकेंगे या ज्यादा बिकेंगे? तो हमारे प्रोडक्ट बिकते रहेंगे। दूसरी बात, हमने उधार की बात की। मार्केट में कोई भी प्रॉफिट में नहीं होके नुकसान में तब जाता है जब वो उधार देना शुरू कर देता है। सर हम लोग क्या करते हैं, आपने यहां से अभी तक हमने एक बार भी आपको नहीं बोला कि आप हमारा प्रोडक्ट ले जाइए, उसके 20 दिन बाद में पैसा दिया। हम आपसे पहले पैसा लेते हैं, उसके बाद 7 दिन के बाद आपका प्रोडक्ट आपके पास बाई कोरियर पहुंच जाता है। उसके नेक्स्ट वीक जिनका कमीशन बढ़ता होता है उनका पे आउट उनके पास पहुंच जाता है। यानी कि पहले हम आपसे पैसा लेते हैं, उसके बाद आपका प्रोडक्ट आपके पास कोरियर करते हैं, और कंपनी 30% पैसा अपना और प्रोडक्ट का रख के 70% पैसा लोगों को पे आउट कर देती है। मीन्स हम उधार के अंदर कोई भी प्रोडक्ट नहीं देते। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये प्लान जस्ट डिजाइन किया था कंपनी ने आज से 2.5 साल पहले, तब से पूरा का पूरा प्लान कैलकुलेटिव प्लान है कि जब भी आप जो पैसा हमें देंगे उसमें से 30% पैसा कंपनी प्रोडक्ट और अपना प्रॉफिट रखेगी, 70% पैसा हम लोगों को ऊपर वाले लोगों को एज ए कमीशन बांट देगी। तो जब आपका प्रॉफिट मैं कब दे रहा हूं, जब आप किसी को ज्वाइन करा रहे हैं उसका पैसे से प्रोडक्ट खरीदे तो ही तो मैं आपको कमीशन दे रहा हूं। हाँ, मैंने अब तक एक बार भी आपको यह नहीं बोला कि सर आप हमारी एसएलपीएस में ज्वाइन हो जाइए और आपको बिना कुछ करे हर हफ्ते हर महीने चेक आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं बोला। मींस आप जो काम करेंगे उसके बदले आपको पैसा दिया जा सकता है तो कंपनी चलेगी। उसके बाद गवर्नमेंट की जो लीगलिटीज है उनकी बात करें तो अभी गवर्नमेंट ने कंज्यूमर अफेयर्स ने जो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर जो गाइडलाइंस निकाली हैं उस गाइडलाइंस पे हमारी कंपनी 100% पूरा उनको फॉलो कर रही है। और अभी कुछ ही दिन पहले हमारी कंपनी ने सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे कंज्यूमर अफेयर में सबमिट कर दिए हैं, वहाँ पे अंडरटेकिंग भी हमारी कंपनी ने वहाँ पे दे दिए, हम सारे के सारे उसके रूल्स और नियम को फॉलो कर रहे हैं। सर ये लीगलिटीज की बात ये होगी। अब लास्ट में आपका सवाल था कि अगर लोगों ने काम करना बंद कर दिया तो, सर मैं आपको छोटी सी चीज आपसे जानना चाहता हूँ, जब आप किसी भी जगह काम करते हैं आप किसी भी जगह से नौकरी क्यों
छोड़ते हैं, कारण ये है या अपना काम बंद क्यों करते हैं जब आपको आपके काम का प्रॉपर पैसा नहीं मिलता है। जहां तक मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था, आज हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे अच्छा पे आउट देने की बिना किसी कंडीशंस के अगर कोई कंपनी है तो उसका नाम है असलीपेस वेलनेस। आज हर आदमी हमारे साथ यहां पे जुड़ने के बाद वो खुशी फील करता है, अच्छा फील करता है और वो अपना भविष्य सेफ देखता है कि मेरा अगर भविष्य सेफ है और बहुत जल्दी से मैं अपनी कामयाबी ले सकता हूं तो असलीपेस वेलनेस के साथ ले सकता हूं। तो सर कंपनी भागेगी नहीं, कंपनी तो दिन दोगुनी रात चौगुनी स्पीड से प्रोग्रेस कर रही है, बस जरूरत है आपको और हमारे को साथ में हाथ मिलाने की और हम भी कंपनी के साथ में दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस की स्पीड से अपनी लाइफ में भी तरक्की कर सकते हैं। सर आप आइए, हाथ मिलाइए, हम भी कंपनी के साथ में प्रोग्रेस करते हैं। बिल्कुल सर, आप जितनी बातें बताई मैं सहमत हूँ, लेकिन सर कहीं ना कहीं मैं अपने आप को एक कामयाब व्यक्ति समझता हूँ तो सर मैं इस काम को शायद नहीं आगे बढ़ा पाऊंगा। सर बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी लाइफ में सेटल हैं और आपके लिए बहुत सारी बातें हमारे साथ हो चुकी हैं, लेकिन लास्ट में एक चीज बताऊं कि बिजनेस की ब्यूटी और खूबसूरती सबसे अच्छी क्या है कि एक महान बनने का बिजनेस है। दुनिया के अंदर हर आदमी महान बनना चाहता है, लोग सेटल लो आदमी जब एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी क्या करता है, महान बनने के लिए दान करता है, दक्षिणा देता है, लोग गरीब लोगों को खाना खिलाता है, लेकिन सर वो एक शॉर्ट टाइम है। एक दिन के लिए आपने किसी गरीब आदमी को खाना खिला दिया, उसने दुआ दे दी, लेकिन अगले दिन वो फिर भूखा रह गया। लेकिन आप इस काम में आके एक भूखे आदमी को पूरी जिंदगी कामयाब होने का एक अवसर दे रहे हो। दुनिया में मेरा ऐसा मानना है, शायद आप भी मेरी बात से सहमत रहेंगे, कि नाकामयाब आदमी को कामयाब बनाना दुनिया का सबसे महानता का काम है। आप इस बिजनेस में आने से पहले, आज से पहले सफल हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद आप महान बन सकते हैं। हम महान बनने वाला काम कर रहे हैं और मुझे लग रहा है आप महान बनने के लिए जरूर इस हमारे साथ शुरुआत करेंगे और महान बनने के इस काम के अंदर आगे बढ़ेंगे। सर आपकी सभी बातें ठीक हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे? बिल्कुल सर, सही बोला आपने, बिल्कुल सही पकड़ा है जोगिंदर सैनी जी, हमारे प्रोडक्ट रियल में महंगे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और प्रोडक्ट महंगे हैं, इस चीज़ में आपने भी सवाल सही किया, आपने कंपेयर भी किया होगा मार्केट से, लेकिन कुछ बातें हम करते हैं कि मार्केट में हम लोग क्या करते हैं और क्या करते हैं। सबसे पहले हम हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, लोगों को ठीक करने का काम कर रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट मार्केट में दो तरीके से लोग काम करते हैं जब भी कुछ बेचना होता है, एक होता है आदमी की ज़रूरत की चीज़ें और एक होती है रोज़मर्रा की चीज़ें। जरूरत की चीजें मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम है, घुटनों की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो जरूरत है मुझे ठीक होने की। दूसरी रोजमर्रा की जिंदगी, मुझे कपड़ा पहनना है या पैंट पहननी है या शर्ट पहनना है, तो ये मेरी रोजमर्रा की जिंदगी। जरूरी नहीं है कि अगर मेरी अच्छी कंडीशन नहीं है तो मैं 1000 रुपए का शर्ट पहनूं, मैं 200 रुपए का पहन के भी काम चला सकता हूं। जूते मैं 5000 की जगह 2000 के पहन के भी काम चला सकता हूं, तन ढकने के लिए मुझे चाहिए। लेकिन जो मुझे बॉडी से रिलेटेड जो शरीर है, ये हमारे प्रोडक्ट क्या करते हैं, वो आपके ऑर्गन्स को ठीक करने का काम करते हैं, आपकी बॉडी को ठीक करने का काम करते हैं। और हमारी जो बॉडी है ये बेस कीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते, ये 1000 करोड़ रुपए की इसकी कीमत रखी गई है, जिसकी 1000 करोड़ रुपए भी इसकी कीमत अगर हम बोलें तो कम है। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स में क्या किया सर, आपने महंगा बोला, सस्ता बोला, आपने बोल दिया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको डॉक्टर ने बोला घुटने का रिप्लेसमेंट होगा 2.5 लाख रुपए में, उसको डॉक्टर के बाद 2.5 लाख रुपए जमा कराने थे और उसके घुटने हमारे 15,000 रुपए के प्रोडक्ट में ठीक हो गए। सर मेरा प्रोडक्ट महंगा है या सस्ता है? सस्ता है। सस्ता है। किसी लेडीज को प्रॉब्लम थी कुछ दिनों से, उसने डॉक्टर के पास कई लाखों रुपए पिछले 10 साल में खर्च कर दिए और वही लेडीज मेरा 20,000 रुपए का प्रोडक्ट खा के ठीक हो गई, तो आप मुझे बताइए ये प्रोडक्ट महंगा है या सस्ता है? सस्ता। बस कारण एक है, हम लोग इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान में हम लोगों में विडंबना है कि हम लोग कभी भी रिजल्ट को नहीं देखते, हम उसकी एमआरपी को देखते हैं। इसलिए हिंदुस्तान की कोई कंपनी आज तक बहुत बड़ा ब्रांड नहीं बन पाई। आज भी हिंदुस्तान में हम सोनी सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को जानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की कंपनी ब्रांड नहीं बनने का कारण क्या है? यहाँ पे लोग सस्ता चाहते हैं, मैं मानता हूँ सस्ता चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सस्ते के साथ में क्वालिटी भी चाहिए। तो यहाँ क्वालिटी के साथ आपको कंप्रोमाइज जब्त करेंगे तो आप ब्रांड नहीं बन पाएंगे। आज हम असलीपेस वेलनेस की बात करें, पिछले 2.5 साल पहले मार्केट में आई थी और मात्र 2.5 साल के अंदर असलीपेस ने अपने आप के अंदर एक क्वालिटी मेंटेन की और उस क्वालिटी मेंटेन करने की वजह से आज इंडिया के अंदर एक ब्रांड बन के उभर के आ रही है, जो कि आप इतनी देर से पिछले देर से समझ भी पा रहे होंगे, देख भी पा रहे होंगे, आपने टेस्टिमनीज भी देखी होंगी। सर आपकी सारी बातें सही हैं, मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, प्रोडक्ट महंगे हैं या सस्ते हैं। आप कंपेयर कर रहे हैं मार्केट के बहुत सारे आयुर्वेदिक स्टोर के जो प्रोडक्ट हैं उनसे, और आप ये भी कंपेयर कर रहे होंगे, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट डले हुए हैं, सेम इंग्रेडिएंट किसी अदर कंपनी के प्रोडक्ट में भी मिल जाएंगे, और हमारा जो 1500 रुपए एमआरपी का प्रोडक्ट है वो आपको 500 रुपए में भी मिल सकता है, मैं बोल रहा हूं ये बात। लेकिन सर आप ये सोचिए, इंग्रेडिएंट भी वही, प्रोडक्ट भी वही, उसके बाद
आपको 500 रुपये और 1500 रुपये डिफरेंस क्यों है, इसको थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ। सर एक चीज़ आप जानते हैं, आयुर्वेद में जो जड़ी बूटियाँ आती है वही जड़ी बूटी 100 रुपये किलो भी आती है, और वही जड़ी बूटी 500 रुपये किलो की भी आती है, और वही जड़ी बूटी 1000 रुपये किलो की भी आती है, मानते हैं आप? बस होता क्या सर, जब भी ये प्रोडक्ट बनता है उसके बाद लैब टेस्टिंग के लिए जाता है, तो लैब टेस्टिंग के अंदर ये चीज़ देखी जाती है कि जो जो आपने इसके अंदर लिखा है वो आइटम इसके अंदर है या नहीं है। अगर है तो आपका लैब टेस्टिंग में पास हो जाता है, नहीं है तो रोक लिया जाता है। लेकिन आज तक दुनिया में ऐसी कोई लैब नहीं बनी जो ये बताए कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट जो आइटम डला है वो 100 रुपये किलो वाला डला है या 1000 रुपये किलो वाला डला है। क्योंकि सर रिजल्ट जो आता है वो आता है क्वालिटी से, रिजल्ट और क्वालिटी मशीन नहीं बता सकती, रिजल्ट और क्वालिटी जो बताएगी आपकी बॉडी बता सकती है, ये आपके रिजल्ट बता सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो एक ऐसी चीज जिसको कोई भी मशीन पकड़ नहीं सकती है, इसके अंदर मिलावट को, सोने में मिलावट जो होती है उसको पकड़ा जा सकता है मशीन के माध्यम से, दूध की मिलावट को आप पकड़ सकते हैं लेकिन आयुर्वेद की मिलावट को हम लोग नहीं पकड़ सकते। यहां सिर्फ कंपनी की नीति और नेक नियति से आप समझा जा सकता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उनके रिजल्ट से समझा जा सकता है। सर छोटी सी बात करें, एलोवेरा आपने देखा हो इसमें डला हुआ है, एलोवेरा की 300 प्रजाति है सर। तुलसी की अगर हम बात करें तो तुलसी 5 प्रकार की होती है। सफेद मुसली की बात करें, शिलाजीत की बात करें, केसर की बात करें, सफेद मुसली जैसलमेर में भी होती है, हिमाचल में भी होती है, लेकिन आपके प्रोडक्ट में मायना ये रखती है कि जैसलमेर वाली डली हुई है, हिमाचल वाली डली हुई है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी। सर एक चीज आपने सुनी है, जितनी शक्कर डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो प्रोडक्ट आइटम हम लोगों को अगर प्राइस वार और मार्केट के जो प्रोडक्ट है उनके अंदर प्राइस वार की लड़ाई होती है, मतलब सारी कंपनियां मार्केट में उस रेट में प्रोडक्ट रखती हैं कि जहां उनकी प्राइस तकरीबन बराबर आ जाती है। हमारा प्राइस वार की हमारी लड़ाई नहीं है, हम जो काम करते हैं वो क्वालिटी वार पे करते हैं सर, और क्वालिटी वार पे करते हैं इसीलिए हम माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं, लोगों के घर घर जाके जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस तरह से लोगों को बताते हैं, और इसके अंदर प्राइज मायना नहीं रखती, इसके लिए लोग रिजल्ट मांगते हैं। और आज यही कारण है कि आज हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर मात्र 2.5 साल में प्रूव कर दिया कि आज हम क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हैं, रिजल्ट प्रोडक्ट बेचते हैं, और हमारे प्रोडक्ट जितने लिए उनकी आज एक नहीं 1000 टेस्टिमनी एज ए प्रैक्टिकल प्रूफ के लिए आपको मिल जाएंगे। सर हम लोग इसलिए हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं, जरूरी नहीं है कि आप सस्ते प्रोडक्ट लें, जरूरी यह है कि आप रिजल्ट और क्वालिटी वाले प्रोडक्ट लें। सर एक एग्जांपल हो, आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आप किसी डॉक्टर के पास गए, उसने 100 रुपए आपकी फीस ली, सर महंगी है या सस्ती? सस्ती सस्ती है, लेकिन आप जिस मकसद के लिए गए, आपको ठीक नहीं हुआ, आप ठीक नहीं हुए, तो वो सस्ती हुई या महंगी? महंगी हुई। लेकिन उसी बीमारी से परेशान होके आप शहर के डॉक्टर के पास जाते हो, वो 5000 रुपए फीस लेता है और 5000 में आपके लीवर या किडनी को ठीक कर देता है, सर वो महंगा हुआ या सस्ता हुआ? सस्ता हुआ। तो महंगा या सस्ता एमआरपी के आधार पे नहीं होता सर, महंगा या सस्ता आपके रिजल्ट और क्वालिटी के आधार पे होता है। लेकिन उसके साथ साथ आज एग्जांपल है हमारे साथ, हिंदुस्तान में पूरे में 25 लेडीजें आज ऐसी हैं जिनको डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि आप जिंदगी में कभी माँ नहीं बन सकती, और आज हमारे वो गायनोडो को लेकर जिसकी कीमत मात्र 950 रुपये है आज वो माँ बन चुकी। आप मुझे आप बताइए, क्या संतान की कोई कीमत होती है क्या? नहीं। तो हमारा प्रोडक्ट महंगा नहीं हुआ, हमारा प्रोडक्ट रिजल्ट और क्वालिटी पे हुआ, इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि प्रोडक्ट अगर सस्ता देंगे तो एक बार दे सकते हैं, अगर हम क्वालिटी देंगे तो हम बार बार दे सकते हैं। आपको अगर हमारे साथ हमें जोड़ के रखना और बार बार हमें देना है तो हमें क्वालिटी देनी पड़ेगी, इसलिए सर हम इसको डायरेक्ट सेलिंग और माउथ पब्लिसिटी करके इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। सर आइए हम क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ काम करेंगे, सस्ते प्रोडक्ट के साथ हम काम नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, आपकी सारी बातें सही है, मैं स्वीकार कर लेता हूँ कि प्रोडक्ट भी महंगे हैं, सब ठीक ठाक है, लेकिन सर आपके प्रोडक्ट मेरे इलाज में सहयोग दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ठीक कर पाएंगे नहीं, उसकी क्या गारंटी सर? बिल्कुल सर, सही सवाल आपका, बहुत अच्छा लगा आपका सवाल सुन के। जोगेंद्र सैनी जी आपने सवाल किया कि क्या गारंटी है कि प्रोडक्ट आप पे काम करेंगे या नहीं करेंगे, तो सर मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ के अंदर प्रोडक्ट की गारंटी, मैं आपको बोलूँ कि आपके ऊपर काम करेंगे या नहीं करेंगे, दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट प्रोडक्ट की क्या है, प्रोडक्ट की मेरी 100% गारंटी है, लेकिन आपके ऊपर काम करेंगे या नहीं करेंगे इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। कैसे? एग्जाम्पल, आज से पहले जैसा आपने बताया आपको शुगर की प्रॉब्लम है, यस सर, कितने साल से? 6 साल से 6 साल। तो 6 साल में आपने कोई डॉक्टरों को जरूर दिखाया होगा, 10 डॉक्टरों को दिखा दिया, तो डॉक्टरों से आपको किसी से कोई बहुत ज्यादा आराम या बिल्कुल रिलीफ आ गया? डॉक्टर ने मना किया है कि सर शुगर तो दूर ही नहीं हो सकती, बिल्कुल रिलीफ नहीं आया। लेकिन आज तक आपने किसी डॉक्टर से कोई गारंटी कार्ड लेके आए?
बिल्कुल नहीं लेके आए। अगर एक से आराम नहीं आया तो आपने दूसरे को दिखाया, दूसरे से आराम नहीं आया तो तीसरे को, फिर आगे आपने बदलते रहे, रिप्लेसमेंट करते रहे, जब तक आपको कोई अच्छा डॉक्टर या जो रिलीफ नहीं अच्छे में नहीं मिल रहा तब तक आगे ही किया। सर ऐसा ही होता है हमारी लाइफ के अंदर कि हम रिप्लेस करते हैं। लेकिन सर हमारे प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताऊं कि हमारे प्रोडक्ट की गारंटी, इसके अंदर जो जो आइटम हमने लिखे हैं, क्या क्या डला हुआ है, ये आप किसी भी लैब टेस्ट में जांच कराइए, इसके पैसे भी आपको मैं दूंगा। 100% जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो चीज़ इसके अंदर अवेलेबल है। लेकिन सर एक छोटा सा एग्जाम्पल, कैसे नहीं होता है, इसकी 100% गारंटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जब हम लोग ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले एक कागज के ऊपर हमसे वो साइन करा लेता है कि कुछ भी मिस हैपनिंग हुई तो इसके लिए डॉक्टर जिम्मेवार। yes. बड़े से बड़ा डॉक्टर, आप मुझे बताइए क्या उस डॉक्टर ने आज से पहले कोई सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है कि नहीं किया? बिल्कुल किया होगा। क्या उसको अपनी क्वालिटी के ऊपर भरोसा है या नहीं है? बिल्कुल होगा। लेकिन उसको अपनी क्वालिटी पे भी भरोसा है, उसने सक्सेसफुल ऑपरेशन भी किए हैं, लेकिन उसको आपके बॉडी स्ट्रक्चर और आपके इम्यून सिस्टम पे भरोसा नहीं है कि जब वो आपको चीरा लगाएगा तो आपका ब्लड रुकेगा या नहीं रुकेगा। वो अपनी क्वालिटी की गारंटी दे सकता है लेकिन आपके ब्लड रुकने की गारंटी तो आपको देनी पड़ेगी, इसलिए वो डॉक्टर आपसे साइन करवा लेता है। सर जहां तक आपने सुना है ऐसा ही होता है? यस, सही बात। फॉर एग्जाम्पल बात करें सर, दो बच्चे पैदा होते हैं, एक भट्टा मजदूर के यहाँ पैदा होता है, एक किसी अच्छे पैसे वाले के घर में पैदा होता है। जब पैसे वाले के घर में बच्चा पैदा होता है तो गर्मियों में वो कहाँ रहता है? एसी में, और सर्दियों में हीटर में रहता है। भट्टा मजदूर के यहाँ जो भी बच्चा पैदा होता है वो सड़क के किनारे ऐसे ही घूमता रहता है, उसको कोई एसी की जरूरत नहीं, कोई हीटर की जरूरत नहीं। कुछ दिनों के बाद एक चीज होती है, जब वो एसी वाला बच्चा अगर सर्दी या गर्मी में जाता है तो उसको जुकाम या बुखार हो जाता है एकदम से, और भट्टा मजदूर का बच्चा जब कहीं बाहर निकलता है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों का इम्यून सिस्टम जो है अलग अलग तरीके से डेवलप हो रहा है। क्या गर्मी ने या सर्दी ने कोई इससे बच्चे के साथ कोई भेदभाव किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। तो सर हम ये बात बोलते हैं कि आज इंडिया के अंदर 100 लोगों को जब हम प्रोडक्ट देंगे तो 75-80 लोग गारंटीड हमारे प्रोडक्ट से ठीक होते हैं। इसकी टेस्टिमनी मैं आपको दिखा चुका हूं, हिंदुस्तान के कोने कोने में उन लोगों के मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, आप उनसे जाके मिल सकते हैं। लेकिन 20% लोगों की गारंटी क्यों नहीं लेते? क्योंकि हर आदमी का इम्यूनिटी पावर, इम्यून सिस्टम अलग अलग तरीके से डेवलप होता है। मेरे प्रोडक्ट की गारंटी मैं आपको 100% दे सकता हूं, लेकिन आपकी बॉडी की गारंटी, आपके इम्यून सिस्टम की गारंटी तो आपको देनी पड़ेगी कि आपके ऊपर आयुर्वेद का यह प्रोडक्ट कितना काम करेगा या नहीं करेगा। तो सर प्रोडक्ट काम करेगा, आप शुरुआत कीजिए। आप बस यही बोल सकता हूँ, अगर 80 लोगों में आते हैं आप तो आपको बिल्कुल काम करेगा, अगर 20 में आते हैं तो भी आप पे काम करेगा, लेकिन स्लो काम करेगा। ये दोनों कंडीशंस हमारे प्रोडक्ट्स में, ठीक है सर? बिल्कुल सर, आपके साथ मिलकर काम शुरू कर। बिल्कुल सर। ओके जोगिंदर सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिलकर खुशी हुई, और मुझे लग रहा है कि आपने जो भी सवाल किए उनका जवाब आपको बिल्कुल मिला होगा, आप सेटिस्फाइड होंगे। और अभी मिलकर शुरुआत करते हैं, और जो भी आपके जिंदगी के जो सपने हैं, जो लाइफ में आज तक पूरे आपकी नौकरी से नहीं हो पाए, बहुत जल्दी अगले 3-4 साल में हम यहाँ से पूरे करते हैं। ओके सर, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।